नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। अहमदाबाद टॉकीज इंटरनेशनल फैमिली ओटीटी प्लेटफॉर्म बज फ्लिक्स एंटरटेनमेंट्स पर एक नई हिंदी वेब सीरीज स्ट्रीम करेगी। प्रोडक्शन हाउस अहमदाबाद टॉकीज जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म बज फ्लिक्स एंटरटेनमेंट्स ओटीटी पर परिवार के लिए एक नई हिंदी वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। बज फ्लिक्स के मालिक श्री समीर शेनॉय और श्री राकेश ठाकुर ने कहा कि विजय बदलानी और मनमीत कौर की मुख्य भूमिका वाली इस वेब सीरीज श्रृंखला में रोमांस, ड्रामा, रहस्य और एक्शन के सभी स्वाद होंगे। इस वेब सीरीज की शूटिंग अहमदाबाद के अलग अलग लोकेशन पर शुरू हो गई है। वेब सीरीज की कहानी ऑफिस रोमांस के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स है। हमें विश्वास है कि दर्शकों को इस श्रृंखला से प्यार हो जाएगा। वेब श्रृंखला के निर्माता हिमांशु उत्तम चंदानी ने कहा कि विचित्र भूमिकाएं निभाकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले विजय बदलानी इस वेब सीरीज में राहुल की भूमिका निभा रहे हैं, तो मनमीत कौर ने 26 साल की चुलबुली लड़की सुहाना की भूमिका निभाई है, जो बहुत अच्छे दिल की है। वह सहकर्मियों के बीच बहुत लोकप्रिय है और सहकर्मियों के साथ उनके अच्छे संबंध है। यशेश आचार्य, फिल्म इंडस्ट्री थी लगभग 3-4 वर्ष थे से जोड़ाई ने गुजरात थी। अहमदाबाद टॉकीज प्रोडक्शन हाउस हमें लगभग 4-1 वर्ष पहला रजिस्टर करूँ तो अहमदाबाद थी। शुरुआत गुजराती फिल्म थी करी थी। लास्ट ईयर में हमें एक हिंदी फिल्म पण पूरी करी है। आटला प्रोजेक्ट्स कराया पछी जयरे मुंबई तरफ वध्या त्यारे एक नव कनेक्शन डेवलप करवानी कोशिश करी ने ज्यां अमे बस फ्लिक्स जे नव ओटीटी है एनी साथे अमे जोड़ाया। एमनो कॉन्सेप्ट जे मनमीते अने राकेश जी ए कीधुं के एमनो जे कॉन्सेप्ट अने जे विजन जे छे के एक फेमिली ओरिएंटेड ओटीटी बनावुं के जे फूल फेमिली साथे जोवानो एक अलग मजा छे जे आपणे वर्षोथी करता आवीए के थिएटर गया तो फेमिली साथे जोवानी एक मजा आवे। આપણે ટીવી ચાલુ કરીને પણ બેઠા હોઈએ તો એક એવો પ્રોગ્રામ હોય કે જે તમે ફેમિલી સાથે જોવો તો બધાને એક અલગ પ્રકારનું એન્ટરટેનમેન્ટ છે। તો એવું ઓટીટી નેટવર્ક જે આ જ એન્ટરટેનમેન્ટ એક ફેમિલીને એક સાથે આપી શકે એમનું વિઝન અમને બહુ ગમ્યું, એટલે અમે જોડાયા સાથે। અને એક એવો મોકો આપણે જ્યારે અમદાવાદથી હોઈએ અને આપણા શહેરમાં આપણને કંઈક નવું કરવાનો મોકો મળે કે આપણે આપણા સિટીને એક નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર આપણે લઈ જઈએ છીએ, તો એ મોકો બહુ ઓનેસ્ટલી અમારે ગુમાવવો નહોતો। હાય, મનમીત ધ સાઈડ, ઓર મેરા રોલ ઇસમેં જો હૈ વો બહોત હી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રોલ હોગા, એન્ડ સિન્સ ઇટ્સ થ્રિલર, સસ્પેન્સ, કાફી સારી ચીઝે હૈ ઇસમેં, મેં ઝ્યાદા કુછ નહીં બોલ સકતી રોલ કે બારે મેં ભી, બીકોઝ આઈ થિંક દેટ વિલ રિવીલ ધ સ્ટોરી, બટ આઈ એમ સુપર એક્સાઇટેડ। પહેલે મુજે જબ પતા ચલા ઓટીટી નયા પ્લેટફોર્મ હૈ તો આઈ વોઝ લાઈક, ક્યુંકિ હોતા હૈ ના આફ્ટર યુ વર્ક તો આપ પૂછતે હો કે કોન સા પ્લેટફોર્મ હૈ, એન્ડ ધ બેસ્ટ પાર્ટ આઈ ફેલ્ટ જબ ઇન્હોને મુજે યે બોલા કે ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ હૈ ઓર સબ બેઠ કે દેખ સકતે હૈ, એન્ડ મેરી મમ્મી શી અભી સિરિયલ છોડ કે મમ્મી વેબ સિરીઝ પે આ ગઈ હૈ, લાઈક શી ઇઝ અ વેરી મોડર્ન મોમ, તો અભી વેબ સિરીઝ જબ મમ્મી દેખતી હૈ તો યુ નો કઈ દફા એસા હોતા હૈ કે યુ નો કઈ સારે ચેનલ્સ એસે આજકલ હૈ જો કુછ કુછ ચીઝે વો દિખા દેતે હૈ તો મોમ હેઝ ટુ ચેન્જ યા ફિર વો થોડા આગે ફોરવર્ડ કરી દેતી હૈ, એન્ડ દેન હમારે સાથ નહીં દેખ સકતી, તો આઈ રિયલી વોન્ટ કી યે દિસ ઇઝ સમથિંગ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ લાઈક અ ગિફ્ટ ટુ માય મોમ એઝ વેલ, એન્ડ આઈ એમ સુપર એક્સાઇટેડ। સો દર્શન કે સાથ મેને જો ગાના કિયા થા અબ ફિર સે જબ બારિશ, વો બહોત હિટ હુઆ થા, એન્ડ દર્શન મોસ્ટલી એસે બારિશો કે ટાઈમ મેં ગાના નિકાલતા હૈ તો કાફી પ્યારા ગાના થા, એન્ડ હી ઇઝ અ ગુજરાતી, આઈ થિંક દર્શન ઇઝ માય ફર્સ્ટ ગુજરાતી ફ્રેન્ડ, ઉસકે બાદ દર્શન કે સારે દોસ્ત મેરે દોસ્ત બન ગયે જો કે આપકે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રી સે ભી કાફી સારે હૈ, એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે આપ ઇસ શો કો ભી બહોત પ્યાર દોગે બીકોઝ યે ભી ગુજરાત સે રિલેટેડ હૈ, તો કહીં ના કહીં આઈ એમ ઓલસો રિલેટેડ ટુ યુ ગાઈઝ। फ्लिक्स के माध्यम से हमें एक नया शो धुन जिसका नाम है, हम लोग अहमदाबाद में हम लोग शूट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अहमदाबाद की चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। बस फ्लिक्स ओटीटी चैनल ये एक पारिवारिक चैनल है जिसे हम लोग
एक साथ फैमिली के साथ में बैठकर देखना पसंद करेंगे। हमारे जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर में हर तरीके का मज़ा है जो कि ओटीटीज़ के अंदर में, बट स्टिल हम लोग न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, एरोटिक बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ के लोकल प्रतिभा जितने भी है, लोकल आर्टिस्ट हो गए, लोकल टेक्नीशियंस हो गए, सभी को लेकर साथ में काम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग देश में हर एक कोने में जाकर हम बसफ्लिक्स के माध्यम से हम हमारा भारत को अच्छी तरीके से पेश करना चाह रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।